दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत है देसी गेमर्स पर। आज इस वीडियो में हम करेंगे इलाइट पास परचेस और देखेंगे कि इसमें क्या क्या नया है और क्या क्या चैलेंजेस मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्री फायर ने प्री ऑर्डर करने वाले को दिया था एक शानदार सा ये बैकपैक, जो कि नीचे तरफ आप देख सकते हैं लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 का बैग वहाँ पर देख सकते हैं। इससे आपको 50 बैजेस एक्स्ट्रा मिलता है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं 750 डायमंड खर्च करके आप प्री ऑर्डर करके इलाइट बंडल ले सकते हैं और इलाइट पास मैं करूँगा जो कि सिर्फ 400 डायमंड पर, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 470 डायमंड है तो मैं करूँगा इलाइट पास परचेस कन्फर्म। तो ये अभी कन्फर्मेशन मांगेगा और ये हो गया इलाइट पास परचेस। तो आप देख सकते हैं अब इलाइट पास में हमें क्या मिलेगा। तो हमें मिलता है एक फ्री का स्केटबोर्ड जो कि शानदार है, जिसमें फ्री फायर लिखा हुआ है, और 5 पेजेस पर हमें मिलता है ये बॉन्टी टोकन, और 10 पेजेस पर हमको मिलता है ये EXP जो कि डबल हो जाता है ये वाला। उसके साथ ही साथ हम लोगों को 15 पेजेस पर ये शानदार सा कपड़ा, वन मिनट में इसे क्लिक कर लेता हूँ, ये शानदार सा कपड़ा हमें मिल लेता है जो कि बहुत ही अच्छा है यार। ये सिर्फ इलाइट पास के लिए है, ये फ्री वाले को नहीं है। और ये शानदार सा पैराशूट मिलता है हमें 30 बैजेस पर। इसी तरह से हम अभी देखेंगे आगे क्या क्या मिलता है, तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो हमें मिलता है अब 50 बैजेस पर ये शानदार सा बैग। जी हाँ दोस्तों, ये लेवल 3 का बैग है और ये लेवल 1 हो गया और ये लेवल 2 और वो लेवल 3। तो ये बैग बहुत ही दिखने में बहुत शानदार है कि आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। और कुछ खास तो नहीं है और देखेंगे हम आगे क्या मिलता है। और ये शानदार सा ये है, इसको क्या बोला जाता है यार, कलेक्शन में जो आपका नाम के ऊपर होता है। और ये 85 डायमंड कलेक्ट करने पर हम लोगों को ये स्ट्रीम ग्रेनेड बोल रहा है। मुझे एक्चुअली पता नहीं है कि ये क्या होता है। जैसे मेरी 85 बैजेस पूरा हो जाए तो मैं आपको दिखाऊँगा कि ये यूज़ कैसे करते हैं या तो ये क्या है, ये मुझे पता नहीं है तो मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। उसके बाद हमें मिलता है 115 बैजेस कंप्लीट करने पर ये शानदार सा फीमेल ड्रेस, जो कि दिखने में ठीक ठाक है लेकिन वो पायरेट्स वाला जैसा अच्छा नहीं है। ये मेरा एक्चुअल अपना ओपिनियन है, अगर आपको अच्छा लग सकता है और मुझे ख़राब भी लग सकता है कोई ड्रेस। तो ये शानदार सा ड्रेस आप देख सकते हैं, शानदार सी हैट है, शानदार सी शू है। और इसी तरह से हमें मिलता है फीमेल का भी वही ड्रेस जो हमें पहले मेल का मिला था। उसके साथ ही साथ हमें मिलता है 195 यानी 195 बैजेस कंप्लीट करने पर ये शानदार सा क्लक 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 वाला इमोट्स। ये सिर्फ इलाइट पास होल्डर के लिए है, इसीलिए अगर आपने नहीं किया तो मैं आपको बोलूँगा कि इस बार का इलाइट पास आप ज़रूर करिएगा, ये बहुत ही शानदार है। इसी तरह से हमें 210 पर हमें ये शानदार सा स्केटबोर्ड और मिलता है उसी प्रकार से। और लास्ट में मिलता है ये बैग जो कि 225 डायमंड पर है, और मुझे ये पर्सनली पसंद नहीं आया लेकिन मुझे ये लड़का का ड्रेस बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैंने इलाइट पास लेने का सोच लिया है। तो आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। तो ये दिखने में बहुत कूल है यार, इसका टोपी, हैट, मास्क, पैंट, वेस्ट सब कुछ मस्त है, और शू भी मस्त है इसके साथ ही साथ। और हम अब बात करेंगे इलाइट पास चैलेंजेस के बारे में। तो आपको इलाइट पास में 60 एनिमीज़ को मारना होगा, आपको 30 मेडिकिट यूज़ करना होगा, आपको आपने गिराया हुआ समवन एयरड्रॉप 10 बार लूटना होगा, जिपलाइन से 6000 मीटर ट्रैवल करना होगा, बोनफायर को 10 बार यूज़ करना होगा, आपको 20000 मीटर रश आवर पर भागना होगा, ट्रैवल करना होगा, आपको डेथ रेस 20 बार खेलना होगा, रश आवर आपके गिल्डमेट के साथ 20 बार खेलना होगा, आपको 25 टाइम्स गोल्ड रॉयल स्पिन करना होगा, आपको 25 बार टूल बॉक्स यूज करना होगा। उसी तरह से आपको टॉप 3 पर 10 बार आना होगा और आपको 3 बार बोया करना होगा। इसके साथ ही आपको वेटरन चैलेंज पर आपको अपने एनिमीज़ को 15000 का डैमेज देना है, आपको SMG से 30 बार हेडशॉट करना है, 20 प्लेयर को आपको ऑयल बैरल के साथ फोड़ना है, तीर के साथ आपको 10 एनिमी को मारना होगा, और आपको UAV फोड़ना होगा 20 बार, आपको उतरने के साथ ही 5 बंदे को मारना है, 20 एयरड्रॉप को लूटना है, आपको लंबरगिनी से 30 बंदे को उड़ाना है, और मशरूम लेवल 4 का खाना है,
आपको 20 एनिमीज को गाड़ी से मिसा का कैरेक्टर लेके उड़ाना है। उसी तरह से आपको बिना किसी को मारे टॉप 10 पर आना है। रश और आपको 3 बार जीतना होगा। उसी तरह से बहुत सारे यहाँ पर टास्क आप देख सकते हैं, तो आपको ये सब चैलेंजेस पूरा करना होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, और चैनल को अगर आपने पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करो।